तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से अर्थ टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले मिस्टर्न फूड्स लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 60 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 3.5% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 18 रुपए 11 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो जो ग्रीन कलर के नेक लाइन देख रहे हैं, ये स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल का काम कर रही है। जब तक स्टॉक 18 रुपीज से ऊपर रहता है, स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। पर अगर स्टॉक ने 18 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन दिया तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। पर जब तक स्टॉक 18 रुपीज से ऊपर है, स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा और ऊपर के टारगेट 19 रुपीज 50 पैसे और सेकेंड टारगेट 21 रुपीज 50 पैसे, ये दो बड़े टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक एक बार 19 रुपीज 50 पैसे के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। पर जब तक स्टॉक इस प्राइस से नीचे है, स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आएगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए। क्योंकि हमने देखा है कि पीछे जब स्टॉक ने 18 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करके स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया था, जब स्टॉक के अंदर एक वन वे तेजी देखने को मिली थी। पर जब तक स्टॉक 19 रुपीज से नीचे है, स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।